हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन अकेडमी। तो काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रही है। एक व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे हम। इन अकेडमी लाइब्रेरी हमने यहाँ पर खोली है और ये जो लाइब्रेरी है ये एक रिमोट एरिया पर है। इसको खोलने का मेन पर्पज हमारा ये था कि वो सभी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड हों जो दिल्ली या बड़े शहरों में छात्रों को मिल रही हैं। तो उसी व्यवस्था को बनाने में लगे हुए थे और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो यहाँ पर अपलोड हो रही है। अगर मैं आपको पूरा एक आउटलुक दिखाता हूँ यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी का, ये एक छोटा सा कैबिन है हमारा यहाँ पर लाइब्रेरी का, जिसको ऑफिस भी आप बोल सकते हैं, छोटा सा ऑफिस है। तो अगर हम चलते हैं बंदर की तरफ और देखते हैं कि लगभग हमारे पास यहाँ पर 30 सीटें हैं जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर छात्रों को जो पर्सनल गाइडेंस है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो एक सेपरेट कैबिन भी है लड़कियों के लिए, एक अलग कैबिन की व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। ये जो पूरी रो है ये लड़कियों के लिए है और बाकी जितनी भी आपको रो दिखाई दे रही हैं ये सब बॉयज़ के लिए हैं यहाँ पर। तो एक सेपरेट व्यवस्था हमने यहाँ पर की है गर्ल्स के लिए। यदि हम बात करते हैं इस पूरे कैबिन में क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर है, तो एक हमने यहाँ पर सरफेस लाइट दी हुई है और उसके साथ साथ चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और इसको आप इजीली जो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हमने स्पेशली जो छात्र हैं उनके लिए एक पर्सनल गाइडेंस का भी रखा है प्रोग्राम, और वीकली या कई मंथली उसको हम यहाँ पर करेंगे। तो जो छात्रों की जो क्योरी हैं उसको भी हम यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए पर्सनल गाइडेंस की व्यवस्था भी हमने यहाँ पर की हुई है। अलग अलग क्षेत्र के जो हमारे पास विशेषज्ञ हैं उनके लिए भी हम यहाँ पर उनको रखते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, उन सभी क्षेत्रों के लिए यहाँ पर हम उनको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसको जो मेन पर्पज़ था हमारा खोलने का वो यही था कि छात्रों को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल सके ताकि वो अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को सही तरीके से यहाँ पर कैरी कर पाए। जो रिमोट एरिया की बात करते हैं तो उनको लाइट की फैसिलिटी नहीं है, एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा कल्चर नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। यदि आप इस लोकेशन पर हैं तो आप हमारी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो इसकी लोकेशन है वो हरिद्वार के पास एक क्षेत्र पड़ता है शाहपुर, तो वहाँ पर हमने लाइब्रेरी अपनी ओपन की है। तो आप एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट कर सकते हैं अगर आप इस लोकेशन के आसपास यहाँ पर कैरी हैं करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।